नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2023 की रिगार्डिंग। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गया रेलवे में एनपी टेक्नीशियन जेई ट्रेन मैनेजर का नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 15 जुलाई से ही स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को कौन कौन से अभ्यर्थी भर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं डेटेड है 20/6/2023 को ये साइन हुआ है, पर आज ही के डेट में ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। वही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लेटर नंबर है और यहाँ पे मेंशन किया गया है द जनरल मैनेजर पर्सनल ऑल जोनल रेलवे ओनली, सब्जेक्ट है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन GDC फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी रिगार्डिंग। तो दोस्तों देख सकते हैं बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट के बाद में सेफ्टी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन का डेट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट GDC इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी सेंट्रलाइज मैनर फॉर ऑल द जोनल रेलवे द इंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हिच आर अंडर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इंक्लूडिंग वैकेंसी एक्यूरिंग द असेसमेंट पीरियड फ्रॉम द 1/7/2023 टू 1/7/2025 इन द फॉलोइंग स्पेसिफाइड सेफ्टी कैटेगरी ऑफ जोनल रेलवे शैल बी ईमार्केड फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू GDC। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 1/7/2023 टू 1/7/2025 तक यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी में देख सकते हैं कितनी बड़ी वैकेंसी आने जा रहा है। और यहाँ पे जो आपका जो वैकेंसी आने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड नंबर मेंशन किया गया है एप्लीकेशन में भी इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय इंक्लूडिंग फ्रॉम द रिलेटेड PUS एज पर एक्सटेंड नॉर्म्स फॉर द क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी ऑफ जोनल रेलवे अदर देन वर्कशॉप VIZ असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर एंड ट्रेन मैनेजर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो वैकेंसी आने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड के यहाँ पे वैकेंसी आने जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी कि यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया गया है कि आपका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। देख सकते हैं ऑल RRC भी पब्लिश ए सिंगल नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट बाय 15/7/2023 given 1 month time to apply against the above SS vacancy notify as below। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो वैकेंसी रिलीज होगा 15/7/2023 को, डेट ओपनिंग डेट टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलिंग अप्लीकेशन 15/7 से स्टार्ट कर दिया जाएगा और क्लोजिंग डेट यहाँ पे देख सकते हैं 14/8/2023 यानी 14 अगस्त 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी ग्रुप डी में अभ्यर्थी ज्वाइन की हैं और उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, उनको सैलरी आना स्टार्ट हो गया है, उन अभ्यर्थी भी यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि 1,05,000 आसपास में अभ्यर्थी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लगभग 60-70% अभ्यर्थी ज्वाइन भी कर लिए हैं और बहुत से अभ्यर्थी का यहाँ पे सारा जो ज्वाइनिंग का फॉर्मेलिटी है कम्प्लीट हो चुकी है और उनका PF नंबर है यानी एम्प्लॉई ID है सारे जनरेट हो गए हैं और उनका सैलरी भी आना स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों आप लोग बता दूं कि जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे सैलरी आना स्टार्ट हो गया है यानी उनका ट्रेनिंग पीरियड भी अगर समाप्त हो चुका है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों फोन नंबर पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द कैटेगरी विल बी सिमिलर टू दैट RRB एंड बी इंटेल कॉमन एग्जामिनेशन फॉर टेक्नीशियन एंड एलपी फर्स्ट ग्रुप जूनियर इंजीनियर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट सेकंड ग्रुप और ट्रेन मैनेजर यहाँ पे थर्ड ग्रुप यानी तीन ग्रुप में यहाँ पे वैकेंसी आने जा रहा है। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन एग्जामिनेशन विल बी इंटेल सीकिंग ऑप्शन फ्रॉम एम्प्लॉय अबाउट द एजुकेशन स्ट्रीम इन विच दे वुड लाइक टू अपीयर द ऑल्सो प्रिपेयर फॉर डिफरेंट कैटेगरी टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ विच एम्प्लॉय अप्लाई फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेम्पलेट टू नोटिफाइड ऑन द RRB पैटर्न विल बी शेयर्ड शॉर्टली।
तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एलपी टेक्नीशियन और ट्रेन मैनेजर का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपका आरआरबी जल्द ही पूरा पैटर्न शेयर कर देगा। वही दोस्तों छठे नंबर पे आप देख सकते हैं, ऑल रेलवे आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द टाइम लाइन नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन आर एड्रेस्ड विदाउट फेल एंड द रिटनेस विद डिटेल्स ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन इन द ईच कैटेगरी ग्रुप ग्रुप वाई 1/10/2023। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, यहाँ पे फाइनली जीटीसी का वैकेंसी जारी कर दिया गया है, यानी बालासोर में दुर्घटना के बाद में रेलवे सतर्क होना चाहता है कि ऐसा दोबारा घटना ना हो और वो जल्द से जल्द जीटीसी कोटे के तहत यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी में बहाली करने जा रहा है। और दोस्तों इसके तुरंत बाद ही आप लोग यहाँ पे जनरल वैकेंसी भी आने जा रहा है। तो दोस्तों जो भी रेलवे में ग्रुप डी पद पर और अन्य पदों पर हैं और यहाँ पे इंटरेस्टेड है इन पदों के लिए, तो यहाँ पे आप प्रिपरेशन में जुट जाएं, क्योंकि हर जोन में आप लोग का यहाँ पे वैकेंसी 15 जुलाई को ही आने जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।